दबंगा द्वारा महिला के साथ की मारपीट, महिला की आई गंभीर चोटें। मामला गोवर्धन थाने के अंतर्गत आनियोर गांव का है, जहां दबंगों द्वारा घर में घुसकर महिला के साथ की मारपीट। जी हम आपको बताते चलें, पूरा मामला बच्चों की कहासुनी को लेकर हुआ था। यह मामला पीड़िता ने बताया, वह पोशाक बनाने का काम सीखने के लिए राधाकुंड जाती है। उनको इस मामले के बारे में पता भी नहीं था। जब वह रात को घर लौट कर आई तो कैलाश बबली तथा उनके भाई ने घर में घुसकर बबीता के साथ मारपीट कर डाली, जिसके चलते बबीता को तथा उनके लड़के को काफ़ी चोटें आई हैं। इसकी सूचना बबीता के परिजनों ने मौके पर पहुंची। पुलिस ने बबीता को उपचार हेतु CSC गोवर्धन पहुंचाया। गोवर्धन CSC में एक्सरा मशीन न होने के कारण CSC अधिकारी ने बबीता को मथुरा के लिए रेफर कर दिया है। वहीं थाना अध्यक्ष महोदय लोकेश भाटी द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेकर अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है तथा वहीं पुलिस ने अपराधियों की जाँच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? कहाँ की निवासी हो? ये क्या मामला हुआ है आपके साथ? पड़ोसी ने आके चोरप्पल भैया बुलाए के तो पिटवाई। भैया घर से सोती हुई खेत के अंदर सामने कोठा देखो कैसे कितनी डंडा दे देखो मेरी ना खोपड़ी फाड़ रही है भैया। मैं तो कहीं किस किस बात को लेके झगड़ा हुआ? दो दिन पहले बच्ची ने और उसमें मुबद्दा हो गया तो मैं तो राधागंज काम सीखने के लिए जाती हूँ और उसने ना आके घर में आपस में हो गया। मैंने ना अपनी बेटी से कुछ कहा ना उससे कुछ कहा, वे मतलब मैं भैया बुला के उनको पटवा दिया। क्या नाम है उन लोगों का? कैलाश और बबली। बबली और अपने भाई को लेके मेरे को घर में से खींचने लगे। कैलाश के पिताजी का नाम क्या है? कैलाश के पिताजी का नाम मुझे नहीं पता है। पैगाम के रहने वाले हैं? पैगाम के रहने वाले हैं। तो अभी फिलहाल वो आनोर में ही रह रहे हैं? हाँ।